को खरीदने की गारंटी, सेफ्टी नेट का मतलब एक आदमी ये गारंटी लेगा कि भाई इस रेट पे हम ये शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। सेफ्टी नेट क्या है? ए पर्सन ऑफर्स पर्सन ऑफर्स परचेज के लिए, पर्सन ऑफर्स टू परचेज ये पर्सन ऑफर टू परचेज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो भी इक्विटी शेयर्स और जो भी हो, जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, ओके। फ्रॉम ओरिजिनल, यहां बड़ ध्यान रखना, ओरिजिनल ओरिजिनल रेजिडेंट, ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर। ये सेफ्टी नेट किसको होगा? जिसने कंपनी में अलॉट किए, जिसने मार्केट से खरीदे हैं, उसको नहीं, जो ओरिजिनल होगा इन्वेस्टर, और बाहर वाला नहीं, इंडिया से बाहर वाला नहीं, नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट होगा और छोटा इन्वेस्टर्स होगा, 2 लाख से कम का होगा, ठीक है। और ये खरीदेगा किस पे? एट इशू प्राइस। ये परचेज किस पे किया जाएगा? एट इश्यू प्राइस। कितने की गारंटी देगा सेफ्टी नेट? केवल 1000 नंबर, जो भी सिक्योरिटीज होंगी किसी भी अमाउंट की, 1000 सिक्योरिटी या इक्विटी शेयर्स मैक्सिमम उसका सेफ्टी नेट देगा कि भाई ये जो है आप अप्लाई करिए, लेकिन अगर आप चाहोगे तो जो इश्यू प्राइस है उस पे मैं खरीद लूंगा, ठीक है। कब तक? विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, यदि फिजिकल है तो, अदरवाइज डेट ऑफ मैटेरियलाइजेशन, डेट ऑफ डीमैट, जिस दिन डीमैट होते हैं शेयर उस दिन। यदि 6 महीने तक यदि आपने नहीं बेचे, बाद में रेट गिर गया, फिर वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। सेफ्टी नेट अरेंजमेंट है अप टू 6 मंथ। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये आपने नोट किया? हाँ जी, समझ में आया? बताइए आगे बढ़ा जाए? हाँ सर, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस आइए, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस होती क्या है? ड्यू डिलीजेंस बेसिकली इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएटिंग। ड्यू डिलीजेंस मीन इवेल्युएटिंग ए प्रपोजल, इवेल्युएटिंग ए प्रपोजल, या यू कैन से एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इवेल्युएटिंग ए प्रॉपर्टी।
जितनी भी एक्टिविटीज एसोसिएटेड होती हैं फॉर इवेल्यूएशन प्रपोजल, दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलीजेंस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो रेफरेंस चेक करते हैं, रेफरेंस चेक, ठीक है, ऑन प्रपोजल, जितने भी प्रपोजल रिलेटेड टास्क होते हैं उनका रेफरेंस चेक, इसको क्या कहते हैं, ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। अब जैसे इशू के केस में ये ड्यू डिलीजेंस कौन करता है, ये करता है बाय मर्चेंट बैंक, पब्लिक इशू के केस में ये ड्यू डिलीजेंस कौन करता है, ये ड्यू डिलीजेंस करता है मर्चेंट बैंक। ठीक है, और जो LMB होता है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार नहीं जयपुर वाला, लीड मर्चेंट बैंकर, ये रेस्पॉन्सिबल होता है करेक्टनेस के लिए, ठीक है, किसके लिए, जो भी वेरिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर, जो भी कंटेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के और जो भी लेटर ऑफ ऑफर होता है प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और उसमें जो भी व्यू एक्सप्रेस्ड, जो भी लेटर ऑफ ऑफर होता है उसमें जितने भी व्यू एक्सप्रेस होते हैं, रीजनेबलनेस, इशू ओपन होने से पहले ये मर्चेंट बैंकर कम से कम 2 वीक्स बिफोर बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। ये किसको करता है, सेबी को, सेबी को 2 वीक्स बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, इस ये जो सर्टिफिकेट है इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, ये जो ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट होता है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, प्रोफॉर्मा कह दीजिए इसको, उस प्रोफॉर्मा की मैं ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। ओके, अब क्या करता है, तो इस ड्यू डिलीजेंस के लिए एग्जामिन करता है जो भी लिटिगेशंस होते हैं, लिटिगेशंस यानी जो भी कानूनी मसले केसेस, ठीक है, लिटिगेशन किस किस के, कोई भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और भी कोई टैक्स के मामले हो, ठीक है, कोलैबोरेटर से हो, उसके अलावा एग्जामिन करता है जो भी प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसकी एजम्पशंस वगैरह ली है प्रमोटर्स ने किस बेसिस पे, ठीक है,
ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू और जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस ये सारी चीजें एग्जामिन करता है। उस एग्जामिन करने के बाद में अगर मर्चेंट बैंकर्स को लगता है, ठीक है, ये एग्जामिन करने के बाद में अगर मर्चेंट बैंकर्स को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, प्रोजेक्शंस ठीक हैं, एग्जाम्पशंस ठीक हैं, कोई डिस्प्यूट है नहीं, यदि हैं तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किए गए हैं और उनका इम्पैक्ट एसेस कर लिया गया है और दैट हैज बीन डिस्क्लोज प्रॉपरली। साथ ही ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और जिस प्राइस पे इशू निकाला जा रहा है उस प्राइस का जस्टिफिकेशन है या नहीं, ये सारी चीजें देखने के बाद में ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट इशू करेगा। कब करेगा? 2 वीक्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा में करेगा। तो ये हमने समझा ड्यू डिलीजेंस। अब हम समझेंगे बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ पब्लिक इशू। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बुक बिल्डिंग मेथड ऑफ पब्लिक इशू। इस बुक बिल्डिंग मेथड को प्राइस डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राइस डिस्कवरी, यानी इसमें बिड इनवाइट की जाती है और उन बिट के बेसिस पे एलिसिट की जाती है डिमांड और साथ ही पता किया जाता है कि क्या है रीजनेबल प्राइस। इससे प्राइस का असेसमेंट एंड डिमांड को असेस किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको प्राइस डिस्कवरी मेथड क्यों कहते हैं कि इन दिस मेथड क्या किया जाता है? प्राइस इज डिस्कवर्ड थ्रू डिमांड बाय प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स से क्या डिमांड आती है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्राइस डिस्कवरी की जाती है। ठीक है, तो आप कुल मिला के कह सकते हैं इन दिस मेथड
इन दिस मेथड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैव ए से, इन प्राइस डिटरमिनेशन। ओके, इन दिस मेथड द प्रोस्पेक्टिव मेथ, ठीक है। अब आजकल के समय में इन द, ठीक है, इन आजकल के टाइम में इन टूडेज वर्ल्ड आप लिख सकते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड आजकल के संसार में दिस मेथड इज मोर पॉपुलर, किस के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विद फिक्स प्राइस मेथड, के कंपैरिजन में दिस मेथड इज मोर पॉपुलर, ठीक है। क्योंकि इन मॉडर्न लिबरलाइज सिस्टम कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर इज एवरीथिंग। तो ये जो है मेथड है, ये कंज्यूमर, ये इन्वेस्टर्स के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होती है, ठीक है। ये हमने समझा बुक बिल्डिंग को। अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो अभी हम आपको ये भी समझाया, अभी आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं। अब आ जाइए डेफिनेशन ऑफ बुक बिल्डिंग। डेफिनेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस अंडरटेकन, ये प्रोसेस है, प्रोसेस अंडरटेकन टू एलिसिट डिमांड, एंड एसेस द प्राइस, ओके, for determination of quantum, or value of specified securities. हाँ जी, कुछ समझ में आया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, एक ये प्रोसेस है, दिस इज अंडरटेकिंग टू एलिसिट डिमांड, ठीक है। तो इससे पता लगता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से कि हमारी
डिमांड क्या रहेगी, ये एक तरह से समझ लीजिए जिस तरह नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, बिड प्रोसेस होती है किसी प्रॉपर्टी की, इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर जब हम इशू निकालते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि कितना इशू बिक जाएगा और किस रेट पे बिक जाएगा, तो हम एक बिड प्राइस निकालते हैं और उस पर ऑफर लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से किस किस प्राइस पर कितने खरीदार तैयार हैं। तो उस बेसिस पे हम उस प्राइस को या क्वांटम को, कितनी अमाउंट हमें निकालनी चाहिए, कितना हमारा शेयर्स बिक जाएगा यानी कितना सब्सक्राइब हो जाएगा, ये सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और दिस प्रोसेस आजकल की मॉडर्न टाइम पे ये प्रोसेस ही चलती है, और दिस प्रोसेस हैज मोर पॉपुलरिटी इन कंपैरिजन विद अदर मेथड ऑफ एलिसिटिंग डिमांड एंड डिटरमाइनिंग प्राइस और कमिंग आउट विद द पब्लिक इशू। ओके, ये हमने समझा बुक बिल्डिंग मेथड को। अब ये इसकी प्रोसेस क्या है बुक बिल्डिंग की, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो बुक बिल्डिंग की प्रोसेस हम समझते हैं। इसके लिए सेबी की क्या गाइडलाइंस है, सेबी की क्या रेगुलेशंस है, ये भी आपको समझना होगा। सेबी ने सिक्सटीन पॉइंट्स बताए हैं इसके लिए बुक बिल्डिंग पे, जो गाइडलाइंस हैं दे आर 16 गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, QIB, NII या RII यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हमें क्या करना होता है, शेयर्स देना होते हैं। ठीक है, कितना कितना देना होता है ये बताता है ये सेबी गाइडलाइंस। कि जनरली क्या होता है इशूज के अंदर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में 50-50% QIB को देना होता है, 15% NIE को और 35% छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये सारा कॉपी कर लिया तो अब हम बताते हैं आपको सेबी ICDR रेगुलेशंस ऑन बुक बिल्डिंग। ओके, हाँ जी, सेबी
आईसीडी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस ऑन बुक बिल्डिंग, ये अब हमें समझना है कि सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन बुक बिल्डिंग पे क्या है। तो सबसे पहले हमें तीन पार्ट्स में, एक क्यूआई भी है और एक रिटेल, ये छोटे वाले इन्वेस्टर्स 2 लाख तक के, जो पहले 1 लाख तक थे अब 2 लाख तक के, क्यूआईबी और लास्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो क्यूआईबी में भी नहीं आते और आरआईआई में भी नहीं आते, जो ना क्यूआईबी है ना आरआईआई है, ना तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है ना ही वो रिटेल इंस्टीट्यूशनल बायर है, ठीक है। ठीक है, और ये वो इंडिविजुअल है जो 2 लाख से कम है, इन सबको प्रोरेटा बेसिस पे हमें अलॉटमेंट करना है। कैसा करना है? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रोरेटा बेसिस पे। जो मार्जिन मनी कलेक्ट की जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रोरेटा बेसिस पे किया जाएगा मार्जिन मनी सबके लिए यूनिफॉर्म होगी। जो भी मार्जिन मनी ली जाएगी, ठीक है, जैसे कि फिक्स वाले में शेयर एप्लीकेशन ली जाती है, सब मार्जिन मनी, ठीक है। क्यूआईबी को जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में 50% देना है, इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 15% और ये रिटेल वालों के लिए को देना है, इसके अंदर 35% हमें रिटेल को अलॉट करना है। ओके, अब एक हमने बताया था आपको एससीआरए वाला, एससीआरए वाले में क्या है, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो ऑलरेडी शेयर्स हैं उनकी ऑफलोडिंग करके इश्यू कराया जाता है, वो कहलाता है सेक्शन 19 ऑफ द एस सी आर ए, जिसमें हमने कहा था केवल 10% भी बाहर दे के यानी पब्लिक को इशू करके। हाँ सर, तो यदि वो वाला केस है रूल 19 एस सी आर ए का, तो उस केस में यहाँ तो होगी 60%। ओके, यहाँ रूल 19 में होगा 10% और यहां पे रूल 19 में होगा 30%, यानी रूल 19 में दोनों में से 5% घट के क्यूआईबी में बढ़ जाएगा। समझ में आया? रूल 19 में इन दोनों के जो रेट परसेंटेज है प्रोरेटा, उसमें 5% डिडक्ट करके ये क्यूआईबी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो लीड मर्चेंट बैंकर होगा वो लीड बुकर कहलाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे लीड मर्चेंट बैंकर को लीड बुक रनर, और जो अदर्स होंगे, अदर मर्चेंट बैंकर होंगे वो कहलाएंगे को बुक रनर। ठीक है, वो कहलाएगा लीड बुक रनर, और अदर मर्चेंट बैंकर्स कहलाएंगे को बुक रनर।
ठीक है, तो इसमें ये हम मिटा देते हैं। तो और पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं। अभी हमने 3 पॉइंट्स वहां लिखे, थ्री पॉइंट्स, इसमें जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होगा, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो सेबी को फाइल होता है बाय लीड मर्चेंट बैंकर, इसके अंदर ऑल इंफॉर्मेशन होंगी एक्सेप्ट दो इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्ट दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, दोनों ही नहीं होंगी। प्राइस क्या होगी ये नहीं होगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्राइस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। सर फिर रह क्या गया, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रोजेक्शंस, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस को। ठीक है, इसमें अभी हमने आपको ये सारी बात बताई जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में और अदर 12 पॉइंट्स इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, अदर गाइडलाइंस। ओके, तो ये आप नोट कीजिए, फिर ब्रेक के बाद हम शुरू करते हैं बाकी इसकी गाइडलाइंस की जो भी कंडीशंस हैं, एक ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।